है तुम जाओ यहाँ से। प्लीज सिद्धू, तुमसे भीख मांगती हूँ, जाओ। अबे खुद को समझता क्या है तू? हाथ कैसे लगा? मुझसे बात कर, मुझे हाथ लगा के दिखा। चल हट, चला चला, मुझे चला ना। ए, कौन है रे तू? तू कौन है बे? रवि। ए, हमारी दुश्मनी इससे है, तू क्यों बीच में पड़ रहा है? क्या किया है इसने? इसकी पोती है ये, इसके भाई को मारा तो हमारे खिलाफ कंप्लेन करने वाइजेक पहुंच गई। कौन क्या करता है उसकी खबर हम तक पहुंच जाती है। इसीलिए तुम मेरे साथ इतने दिनों तक घूमती रही। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ गया, लेकिन अब तुम भी मेरी एक बात समझ लो। मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, इसे यही बताने यहाँ आया था। ए, स्वाति के साथ मैं खड़ा हूँ, अब जिसे जो करना है कर लो। ए, प्यार का इजहार करने के लिए यही जगह मिली? मेरे 30 आदमियों में से 3 को तू गिरा चुका है, यानी 27 लोग बचे हैं, और मुझे गिनकर 28 लोग, किसी एक के हाथ आज तू मरेगा। ए, ना ये तेरा इलाका है ना तेरा गांव, ओखली में सिर क्यों दे रहा है? चल निकल चुपचाप यहाँ से। बातचीत से हल निकले तो इसी में सबकी भलाई हो। अगर मुझे हाथ उठाना पड़ा तो यहाँ से सिर्फ लाशें उठेंगी। ए, मेरी बात खोपड़ी में नहीं घुसी, लगता है मरने का शौक है। काट दो दोनों को। अभी थोड़ा बिजी हूँ। अभी से कैसे बिजी हो गए बेटा? क्या काम है पापा? तुम्हारी पोस्टिंग का लेटर आया है। पोस्टिंग कहाँ हुई है? गुंटूर जिले में। कहाँ हुई है? गुंटूर जिले में। गुंटूर जिला। तुम में से किसी ने पूछा था ना कि मैं कौन हूं? ए, तुम सबके लिए एक खुशखबरी है, आज से इस गांव का, माचेरला का, पूरे गुंटूर जिला का मैं कलेक्टर हूं, सिद्धू सिद्धार्थ रेड्डी आए।
कलेक्टर होगा तू घर पे, राजन का बेटा हूं मैं। माचरला आकर राजन के बेटे को ललकारने की हिम्मत की तूने? तू राजन हो, साजन हो, किसी का बाप हो या किसी का बेटा, तुम जैसों का एक ही इलाज है। तीस क्या तेरे 300 लोग भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कलेक्टर की पोस्ट मिली है इसीलिए तमीज से मारा है, वरना ऐसा घुस के मारता कि यहीं दम तोड़ देता। देख रवि, जाके अपने बाप से कह दे, आज तक यहाँ जानवर इंसानों को मारते आए हैं, लेकिन अब तुम जैसे जंगली जानवरों का शिकार करने मैं आ गया हूँ। अब शिकार होगा अलग लेवल पे। राजन आया मतलब आज कोई तो दुनिया से गया। पीछे ले ले, पीछे ले ले। देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की, राजन के बेटे को मारकर अभी तक माचरला में है, बहुत हिम्मत वाला है तू। ओहो, तो तुम हो राजन, इतना पिटने के बाद प्लास्टर चढ़ता है, तुम तो प्लास्टिक सर्जरी करवा के बुढ़ा बन के आ गए। बाप बेटे सेम टू सेम, घर पे प्रिंटिंग मशीन लगवाई है पर दोनों की शक्ल उतनी खराब है। आई। 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 आई।
सर सर नहीं सर, कलेक्टर साहब है और पब्लिक प्लेस है, अगर कुछ हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात मानिए सर। ए, तू यहाँ पर नया है लेकिन तेरी पोस्ट पुरानी है। तेरे पैदा होने से पहले मैंने यहाँ खौफ पैदा किया था। पिछले 30 सालों में मेरे सामने किसी ने सिर नहीं उठाया। मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता लेकिन आज तेरे सितारे बुलंद हैं। एक सिक्का उछालूंगा, हेड्स आया तो तू ऊपर जाएगा, टेल्स आया तो शहर छोड़कर जाना होगा। बड़ी किस्मत वाला है तू, टेल्स आया है। अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहां से निकल ले अगर जिंदा रहना है।